227 साल बाद श्रीलंका टीम ने भारतीय टीम को वनडे सीरीज में हरा दिया। तीसरे वनडे में श्रीलंका टीम ने 248 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 138 पर ऑल आउट हो गई और 110 रनों से हार गई। इस शर्मनाक हार के बाद कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ सभी भारतीय खिलाड़ी के चेहरे उतरे दिखे। गौतम गंभीर की कोचिंग में पहले ही वनडे सीरीज में टीम इंडिया श्रीलंका से हार गई और तीन में से एक भी मैच टीम इंडिया नहीं जीत सकी, जो बताती है कि कितना खराब प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों ने इस वनडे सीरीज में किया है, जिसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार खराब सिलेक्शन और खराब बल्लेबाजी है। दोस्तों, भारत के इस खराब प्रदर्शन और शर्मनाक प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? अपना ओपिनियन कमेंट करके हमें जरूर बताएं।